लौंग खाने से होगा गर्भधारण। यदि आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो एक ऐसी ही बहुत एक्सेलेंट होम रेमेडी है हमारे पास, जिसका इस्तेमाल करने से, जिसका यूज़ आप अपनी डे टू डे लाइफ में करने से जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। बहुत सारी महिलाएं परेशान होती हैं कि हमारे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, स्टिल प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लामेशन है, कहीं ब्लड सर्कुलेशन की कमी तो नहीं है, ऐसी ही अनेकों समस्याएं हैं, कहीं इम्यूनिटी कमज़ोर तो नहीं है। रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आते हैं, अल्ट्रासाउंड भी नॉर्मल आ रहा है, हमारे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, स्टिल आपको प्रेगनेंसी यदि नहीं होती है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोर है शरीर के अंदर जो आपको माँ नहीं बनने दे रहा है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी, महिलाओं की फर्टिलिटी से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मैजिकल, एक एक्सेलेंट इंग्रेडिएंट के बारे में, जिसे हम कहते हैं लौंग। लौंग ईजिली महिलाओं के किचन में अवेलेबल होती है, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत आसानी से मिल जाती है आपको। बहुत इजीली ये होम रेमेडी आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, हर महिला कर सकती है, क्योंकि ये घर में बहुत आसानी से अवेलेबल होती है। तो क्या फ़ायदे होते हैं? देखिए, यदि आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं और आप माँ नहीं बन पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या होगी। यदि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो कहीं ना कहीं थायराइड है, कहीं ना कहीं आपको PCOD है, PCOS है, फाइब्रॉइड है, या आपको पॉलिप है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है। हार्मोनल इम्बैलेंस धीरे धीरे चल करके आपके पीरियड में डिस्टर्बेंस करता है, आपका ओव्यूलेशन गड़बड़ होता है, समय से ओव्यूलेशन नहीं होता और आपको PCOD की समस्या बन जाती है। आपको पीरियड्स खुलकर नहीं आते हैं, ब्लड रुका रह जाता है अंदर, चॉकलेट सिस्ट जैसी समस्या बन जाती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं, यूट्राइन पॉलिप बन जाते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत बड़ी समस्या है। लौंग का सेवन करने से, हर दिन लौंग का सेवन करने से आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, इस हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नंबर दो, ब्लड सर्कुलेशन। देखिए, यदि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, यूट्रस है, फिलोपियन ट्यूब है, ओवरीज है, इसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, इस तक प्रॉपर खून का दौरा नहीं पहुंच पाएगा, तब तक आपको कंसीव करने के चांसेस कम रहेंगे। और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके कंसेप्शन के चांसेस 100% हो जाते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन का होना बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप हर दिन लौंग का सेवन करती हैं, तब आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इसी कारण से लौंग का सेवन हर दिन करना चाहिए। सबसे पहले ये आपके हार्मोन को बैलेंस करता है, और नंबर दो, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे कि आपकी ओवरीज और आपके यूट्रस, बच्चादानी और अंडादानी को अच्छा ब्लड सर्कुलेशन मिले, खून का दौरा हो, जिससे कि वो हेल्दी रहें, उसमें कोई फाइब्रॉइड ना हो, पॉलिप ना हो, PCOD, PCOS जैसी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाए और आपका यूट्रस हेल्दी हो जाए, बच्चा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए। नंबर तीन, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं तो PID जैसी समस्याओं का समाधान है ये। कुछ महिलाओं में होता है कि पेड़ों पे सूजन ही तो है, रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल हैं, लेकिन हल्की फुल्की पेड़ों पे सूजन रहती है, दबाते हुए दर्द होता है, रिलेशन बनाने के बाद दर्द होता है, झुकते हुए दर्द होता है, उकड़ू बैठते हुए दर्द होता है, बैठकर खड़े होने पर दर्द होता है। यदि ये सारी जब टाइम आपको दर्द हो रहा है, तब आपको आपके नाभि के निचले हिस्से पे, आपके लोअर एब्डोमेन पर सूजन आई है, और यदि आप लगातार लौंग का सेवन कर रही हैं, तब आपकी ये सूजन ख़त्म हो जाती है, आपके पेड़ों के ऊपर से भी और आपके बच्चादानी के ऊपर से भी। तो आपको हर दिन लौंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपके पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, आपके अंडाशय और गर्भाशय की सूजन को उतार देगा। उसके अलावा इसमें इम्यूनिटी है, आप इसका यदि सेवन करते हैं तो आप बीमारियों से बचे रहते हैं, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, बार बार बीमार नहीं पड़ते, हर छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए बीमार नहीं पड़ते हैं,
उसके अलावा कुछ जनरल कंडीशन में यूज़ की जाती है, खांसी जुकाम में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मुंह की दुर्गंध में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और भी अनेकों फ़ायदे हैं। हम बात कर रहे हैं आपकी प्रेगनेंसी के एस्पेक्ट से, तो ये आपके हार्मोन को बैलेंस करता है, बच्चेदानी की सूजन को उतारता है, बच्चेदानी तक खून का दौरा तेज़ करता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, इतने सारे फ़ायदे हैं, तो इसका सेवन तो करना चाहिए। बहुत आसानी से किचन में अवेलेबल हो जाती है। अब इसका यूज़ कैसे करना है, पूरा साइकिल आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर दिन नहीं है जब आपको इसे छोड़ना है और यूज़ करना है, पूरा साइकिल यूज़ करता है। सबसे पहले आप इसका इस्तेमाल चाय के रूप में कर सकते हैं, आप जो चाय पीती हैं उसमें 2 से 3 लौंग डालें और कम से कम 10 से 15 मिनट तक उसे बॉईल करें, एंड देन आप उस चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में एक बार। नंबर दो, आप इसका पाउडर बनाकर जो है अपने खाने में, अपने स्मूदी में, कोई भी जो भी आप पीते हैं खाते हैं उसमें इसका पाउडर डाल सकते हैं, आधा चम्मच पाउडर इसका आप डाल सकते हैं। नंबर तीन, आप रात में 2 से 3 लौंग को भिगा कर रखें पानी में, एंड सुबह उठ करके आपको उसका पानी पी लेना है। आप ऐसे कर सकते हैं, आप सुबह में उठ करके 2 से 3 लौंग को पानी में डालें, बॉईल करें, 15 मिनट बॉईल करें, आप उसका पानी पी सकते हैं। देखिए उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, नारियल तेल लीजिए और ये जो लौंग है इसको नारियल तेल में डाल करके छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे एंड देन आपको डेली रात में थोड़ा सा ऑयल लीजिए अपने फिंगर टिप्स पर, एंड उस ऑयल को अपने लोअर एब्डोमेन पर डेली मसाज करनी है, डेली रेगुलर मसाज आपको करनी है, ये आपकी फर्टिलिटी के चांसेस को बूस्ट कर देगा। देखिए यदि आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, फाइब्रॉइड है, डॉक्टर को जाइए, ट्रीटमेंट कराइए। यदि आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, जांचें नॉर्मल है, आप माँ नहीं बन पा रही हैं, तब आप लौंग का सेवन कर सकती हैं। बहुत एक्सलेंट है, बहुत अमेजिंग है, इसके रिजल्ट्स आपको 101% मिलेंगे। आपको इसे डेली हर दिन दिन में एक बार इस्तेमाल करना है, पूरा साइकिल आपको यूज़ करना है, कोई टाइम नहीं है कि कभी यूज़ करना है कभी बंद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा साइकिल पीरियड के दौरान भी आप इसका पानी, चाय या इसका मसाज आप कर सकते हैं, इससे आपको 101% रिलीफ मिलेगा। उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं मैं कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उन्हीं टॉपिक को कवर करने की जो आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे। मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करते हैं। धन्यवाद।